अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सबक है स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। आज हम लेकर के हाजिर हुए चैप्टर 4 के तीसरा हिस्सा। इसमें सवाल और जवाब आज के सबक में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल देखें, चमन में हर सू किसकी खुशबू फैली हुई है? चमन में हर सू किसकी खुशबू फैली हुई है, यह आपका सवाल है। उसका जवाब ये होगा कि चमन में हर सू कलियों की चटक की खुशबू फैली हुई है, यानी बाग में जो क्या है, कलियां जो सुबह खिलती है, चटकती है, उसकी हल्की हल्की मध्यम सी खुशबू फैली हुई है। अब दूसरा सवाल देखें, चिड़ियां कैसे गीत गाती है? तो उसका जवाब होगा, चिड़ियां प्यारी गीत गाती है। तीसरा सवाल है, सब पर किस चीज़ का असर है, यानी सब पर किस चीज़ का असर है? उसका जवाब है, सब पर बाहर का असर है। बच्चों, इस नज़्म की बुनियाद पर दिए गए जुमलों पर सही और गलत का निशान लगानी है, यानी जो बातें सही है उस पर सही और जो बातें सही नहीं है वो उस पर गलत गलती का निशान लगानी है। पहला है अलिफ में, हर आदमी परेशान है, नहीं गलत है, ये कलियां खिल रही है, ये सही है। उसके बाद उनकी बदबू हर जगह फैली हुई है, गलत है। चिड़ियाँ प्यारे गीत गाती है, बिल्कुल सही है। और आगे के मुख्तसर सवाल भी आप उसको देखें। इसमें दर्जा ज़ेल अल्फाज के माने के सामने बने गोल दायरे में से छाट करके लिखिए। कलियों का चटकना, कलियों का खिलना, महक के माने बू, राहत फजा, आराम बढ़ाने वाला, पहला वाला सही गलत है। उसके बाद आगे है, रविशे रास्ते दिलकश दिल को लुभाने वाला। इसमें देखें, नज्म को नज़र में रखते हुए नीचे दिए गए सवालों के जवाब उनके साथ दिए गए अख्तियार में से चुनिए। चादर किस चीज़ की थी? सफ़ेद कपड़े की, नूर की, ऊन की? तो उस पर आपको नूर पे निशान लगाने, जैसा कि इसमें निशान रखा है। दूसरे में, किसकी हल्की हल्की खुशबू फैली हुई है? चिड़ियों की, अंडों की, कलियों की? तो यहाँ कलियों पे निशान लगे हुए। और नहायत मुख्तसर जवाब है जो इसका, इस सवाल का जवाब देनी है, चांदनी कैसी थी? तो उसको लिखनी है, कैसी है लिखनी है, दिलचस्प है। सड़कों पर जाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? तो गज़लें गा रहे हैं, या तो गज़लें अक्सर के गा रहे हैं। इन्हीं सवालों और जवाब के साथ एक और सवाल है, उसको देखें थोड़ा। रविशे क्यों महक रही है? बाहर के मौसम में कलियों के चटकने की वजह से, चटकने से ये क्या होती है, रविशे महकती है। बागों में निखार किस वजह से है? बाहर के मौसम के वजह से है। तो इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ ये आपका सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे आखिरी इस चैप्टर के आखिरी सबक में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।